हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी या देवउठनी के नाम से जाने जाते हैं। एकादशी की इस पूजा विधि और इसका कथा का क्या फल और इसका कैसे करते हैं उसका विधि पूर्वक कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से बताई थी कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन जो सच्चे मन से व्रत रख कर शालिग्राम तुलसी जी का विधि विधान से विवाह करवाते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यह सरल विवाह विधि यही है कि सभी देवी देवता का आवाहन करते हैं, फिर शालिग्राम जी को चंदन रोली फूलमाले से हम उनको श्रृंगार करते हैं, तुलसी जी को फूलमाला से चंदन रोली से उनको चूड़ियों से सिंदूर से उनको श्रृंगार कराते हैं, फूल के माला से हारों से उनको दीप आरती करते हैं तो भगवान विष्णु जी का कृपा के प्राप्त होते हैं और हम उनको सच्चे मन से भोग लगाते हैं। ऐसे भगवान तो भाव के भूखे हैं, हम तुलसी का या एक लोटा पानी भी दे देता वो हमारा भाव देख के खुश हो जाता है। कार्तिक महीने में तो तुलसी का अलग ही महत्व है। जो कार्तिक अपने घर में तुलसी जी का पेड़ लगाता है वहाँ भूत प्रेत भय आदि बाधा नहीं रहता और जो सुबह शाम आरती करते हैं उनके बस वंश फली फूली रहती है। और कार्तिक महीना का महत्व ही कुछ अलग है। और शालिग्राम को स्नान कराकर उनका चरण अधिक में मिलाकर जो तुलसी का पत्ता को पीते हैं वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। और तुलसी जी का तो कहना ही क्या। इस दिन आज शालिग्राम तुलसी जी के सबको बहुत बहुत बधाई। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।